अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये कहानी है सुनैना की, जिसके पिता नरेश सिंह ने पैदा होते ही उसे मारने की कोशिश की, लेकिन माँ कुमुद ने बीच में आकर सुनैना को बचा लिया। पर इस जिंदगी की कीमत थी 3 तालों के पीछे तहखाने में आजीवन कैद की सजा। लेकिन 21 साल बाद एक दिन सुनैना ने अपनी माँ से छुप के कदम बाहर निकाले और टकराई नमन से, जिसकी शादी तय हुई थी सुनैना की बहन पंकजा से। लेकिन सुनैना पर नजर पड़ते ही वो उसे दिल दे बैठा। यहाँ सुनैना के पिता नरेश सिंह ने उसकी जान का सौदा कर लिया एक रहस्यमयी औरत महारानी से, जो सुनैना को गायब करने के लिए जाल बिछाती। लेकिन कुमुद और नमन बार बार उसके नाकाम कर देते। नमन सुनैना के प्यार में इस कदर पड़ा कि भरे मंडप में पंकजा से शादी तोड़ दी। इस वजह से नरेश सिंह की सुनैना के लिए नफरत और बढ़ गई। बाबा प्लीज, बाबा के साथ हाथ जोड़ दे, बाबा प्लीज उन्हें जोड़ दीजिए। बस कीजिए ना, कितना मारेंगे? अब जो होना था वो तो हो चुका है ना, इतना मार पीट करने से तो कुछ बदलेगा नहीं। छोड़ दीजिए पापा प्लीज, पापा जो होते हैं पापा प्लीज। ओ का तमाशा चल रहा है का? जाइए अपने अपने घर जाइए, चलिए। मामा पापा प्लीज कुछ बोलिए ना पापा को, प्लीज पापा। सभी लेडीज लोग अंदर जाइए, जाइए। चलो अंदर, चलो नहीं। चलो ए सिद्धिया, तुम भी आओ। सिद्धिया फिर अपने लिए फिक्र देख रहा हूँ तुम्हारी इन आंखों में। प्यार तो तुम्हें मुझसे है, और मेरे प्यार के सामने मेरी हार हो ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। आपके ऊपर ना हाथ उठा सकता हूं और ना ही हथियार। होने वाले ससुर जी जो हैं आप मेरे। कुत्ते का तुम हो तुम, ऐसा नहीं मानोगे। तुम्हें समझाने का कौन हो इंतजाम करना पड़ेगा। Thank you.
भी तो यहाँ है। इस अपना गोली कौन चला रहा है? कौन है? कौन किया? मैं नरेश सिंह का किया। उठो, नमन। ठीक है ना बाबू? राजकुमारी, तुम्हारा लौंडा एक बार फिर अपना औकात दिखा दिया और तुम्हारा घटिया परवरिश दर्शा दिया। नरेश सिंह, होश में और अपनी जमान ना संभाल के बोलना। अरे तुम लोग पहले अपना आवारा लौंडा को संभालो, उसके बाद कुछ बोलना। ये तुम्हारा आवारा लौंडा हमारा एगो बेटी का बेइज्जती करके दूसरा बेटी के साथ आस की लड़ाने हमारे घर के सामने मंडरा रहा था हमारा चौखट पे। तरस खा के छोड़ दिया उका ताए की जॉन खानदान का बागडोर ये चूड़ी पहनने वाला लोग करें। उका मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। नरेश सिंह, हमरे हाथ में चूड़िया ही नहीं तमंचा भी जचता है। और हमसे ना जरा जबान संभाल के बात करना आता है कि फिर होश संभालने का मौका नहीं मिलेगा तोरे को। राजकुमारी, नरेश सिंह, आप बताए नहीं बत्सला जी, क्या टांगना है आपको? सुबह आरती के बाद देख लेना। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 11 बजे। इन चूड़िया वाले हाथों से आप तमंचा चलते हुए देखना चाहते हैं क्या? उम्र भले कोई भी क्यों ना, लेकिन अपने शब्दों का चयन बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। वरना क्या है ना कि वही शब्द आपके विनाश का कारण बन जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ इसलिए तमीज से बात कर रहा हूं क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे वो सिखाया है। अपनों से बड़ों से हमेशा इज्जत से बात करनी चाहिए और उन्हें हमेशा रेस्पेक्ट देनी चाहिए। और दूसरी बात यह भी है कि आप सुनैना के पिता भी हैं, मतलब बहुत स्पेशल है आप। ससुरा खुद गलती करता है और भैया पे चढ़ रहा है। बाकी है मैंने गलती, उसके लिए मैं हजार बार माफी मांग चुका हूँ। जो भी सजा दोगे उसे भुगतने के लिए तैयार हूँ, अपने हर एक गलती के लिए प्रायश्चित करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मेरी गलती के लिए ना मेरे माँ बाप को दोष देना और ना ही सुनैना को। आपको जो करना है आप कीजिए, मैं हार नहीं मानने वाला हूं क्योंकि मैं सुनैना को अपना बना के ही रहूंगा। राजकुमारी, अपने लौंडा को संभाल लो, लगाम खींच लो इका, नहीं तो इको छोड़ेंगे नहीं हम, बताए दे रहे हैं। सॉरी मां, आज जो कुछ भी हुआ, उन लोगों ने आपको जो कुछ भी कहा, सबके लिए आई एम रियली सॉरी।
लेकिन मैं सब बस करो नमन सिंह, बस बस करो सुने ना, बस करो। माँ सिर्फ एक बार रमन जी को फोन करिए ना, उनसे पूछिए ना वो डिगे उन्हें कुछ हुआ तो नहीं। माँ प्लीज, माँ एक बार पूछ लीजिए प्लीज। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? सॉरी बोलना है तो अपनी करने के लिए बोलो। कैसे कि वो लोग तो पराया लोग हैं, उनका बात नहीं चुपता हमको, लेकिन तुम तो हमरे अपने हो। ऐसा कहाँ है उस लड़की में जो इतने भरा गए हो तुम उसके लिए? प्यार करता हूँ माँ मैं उससे। भूत चढ़ गया है क्या तुम्हारे सर पे? माँ सच में I love Sunaina। अरे माँ का प्यार भी थोड़ा बहुत याद है तुमको नमन सिंह या नहीं? कसम खाओ हमरे सर की कि अब तुम वो लड़की का कभी नाम नहीं लोगे, कभी नहीं मिलोगे उससे, भूल जाओगे उसको। कसम खाओ नमन सिंह, कसम खाओ। इतना सब कुछ हो गया फिर भी तुम नमन का नाम ले रही हो? और क्या कहे थे हम तुमको? हम कहे थे ना कि अगर उखा मैसेज आएगा तो हमें आकर बताना। काहे नहीं बताई? काहे उखा यहाँ बुला ली तुम? पापा ने कहा था कि नमन जी को मैसेज करके मिलने बुला, वरना सुने ऐसा कभी नहीं करती। माँ मैं नहीं पता था नमन जी के साथ ये सब कुछ हो जाएगा। माँ सॉरी सॉरी। बोलो नमन सिंह, खा रहे हो हमारी कसम या नहीं? मैं खुद से ज्यादा आपसे प्यार करता हूं और इसलिए मैं आपकी झूठी कसम नहीं खा सकता, लेकिन मैं चाह के भी सुनैने को भुला नहीं सकता। एक बार कोशिश की थी, दोबारा कोशिश नहीं करना चाहता, लेकिन किसी भी हालत में मैं सुनैना को जीत कर ही रहूंगा। क्या करूं, हार ना मानना मैंने आपसे और पापा से ही तो सीखा है। अरे जाने का काला जादू किया है वो गोरी चमड़ी ने कि एकदम बढ़ा गए हो तुम, पगला गए हो। जीजी, जीजी सुनो तो, जीजी इतना गुस्सा करेंगी तो हार्ट अटैक आ जाएगा आपको, सुनो तो हमारी बात। अरे इनको हार्ट अटैक नहीं आएगा, ये खुद है दूसरे को दे दे हार्ट अटैक। नमन बेटा तुम दुनिया की नहीं अपने दिल की सुन, तुम्हारे साथ कोई हो ना हो तुम्हारा बाप तुम्हारे साथ है। मतलब तुम फोन लेकर नहीं गई थी बाबू साहब के पास? नहीं बड़ी माँ। सुनैना दी तो फोन लेकर आप ही के पास आ रही थी, फिर रास्ते में बड़े पापा मिल गए और उन्होंने ही मैसेज देख लिया। अच्छा। तो बड़े पापा ने बुलाया था दी के फोन से, उन्होंने ही मैसेज करवाया। सॉरी, हमने कैसे सोच लिया कि हमारी सुनैना अपनी माँ की बात नहीं माने? कान पकड़ कर सॉरी। नहीं सॉरी। अच्छा दी, अब आप रो मत, चलो हम दोनों ना मूवी देखने जाते हैं, इसी बहाने आपका मूड भी अच्छा हो जाएगा। हाँ ये ठीक रहेगा, ले जाओ इसको अपने साथ। हाँ चलो।
चलो चाचू। चलो दी। जी, अब इस तरह गुस्से में सांड की तरह चीजें यहाँ वहाँ फेंकने का क्या मतलब है? तरस खा के छोड़ दिया उका। ताहे की जॉन, खानदान का बागडोर ये चूड़ी पहनने वाला लोग करे, उका मुंह लगना हमें शोभा नहीं देता। सच में आई लव सुनैना, मैं आपकी छोटी कसम नहीं खा सकता। इस समय रजत इतनी ज्यादा बुरी शक्तियों से घिरा हुआ है, तेरा भगवान भी कुछ नहीं कर पाएगा। जिसके सिर्फ नाम से काम हो जाए वो श्री राम क्या कर सकते हैं, ये खुद देख लीजिएगा। ये एपिसोड देखिए YouTube पर शाम 7:30 बजे। जरा सोचिए जीजी, अपने गुस्से को ना पालिए और सही समय पे दागिए, कुछ समझिए। अरे प्यार में पागल होके अगर अपना नमन उस नरेश सिंह की लड़की को अपने घर ले आया तो क्या करेंगे आप? समझ नहीं है कुछ जीजी? ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा, कभी नहीं। जो आदमी हमरी तहलीज पर आकर हमको बेइज्जत करके गया है वो हमरा समझी कभी नहीं बन सकता, कभी नहीं। से तुम ठीक कह रही हो मीना, हमको नमन को लड़की से दूर रखना होगा और इनके लिए चाहे हमको नमन का दिल ही काहे ना तोड़ना पड़े। सही तो, सही कही हो तुम। ये आप क्या करना? कुछ नहीं करना, बस बैठ के तमाशा देखना है। परवेश, सुनैना और नमन अब कभी नहीं मिल पाएंगे। का मतलब? मतलब ये कि सुनैना से वो संदेश हम भिजवाए फोन पे, नमन को हम बुलवाए और उसका तबीयत से जॉन कुटाई करवा के माहौल बनाए जो बवाल खड़ा किए, उके बाद हम राजकुमारी के पढ़िया वाले दुश्मन बन गए हो। और हमरा गणित ही कहता है कि राजकुमारी दुश्मनी को रिश्तेदारी में कभी नहीं बदलेगी। और तो और उसका जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद होगा सुनैना और नमन को दूर रखना। वाह, ऐसा दिमाग चला के ना भैया आप दिल जीत लेते हैं। लेकिन भैया वो नमन सिंह जो है वो कौनो मामूली लड़का ना है, जान देने वाला आशिक लगता है। कहीं माँ से बगावत करके सुनैना से मिलने लगा तो? नहीं, कुछ हो नहीं कर पाएगा वो नौसिखिया आशिक। रहा सवाल सुनैना का, तू भी अपने सही ठिकाने पर बहुत जल्द पहुंच जाएगी। दी अब देखना, अब मेरा फेवरेट सॉन्ग आएगा। दी देखो ना, दी क्या हुआ? आप इतनी खोई हुई सी क्यों हो? नमन जी के बारे में सोच के परेशान हो रही हो? हाँ शिव्या, उन्हें हमारी वजह से कितनी मार पड़ी, कितनी चोट लगी। मैं बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है। हाँ दी, हमें तो ये लग रहा होगा ना कि आप ही ने उन्हें बुलाया और फिर मार खिलवाई। का है? आज तुम साबित कर दिए हो कि प्यार अंधा नहीं बल्कि लूला काना और बहरा भी होता है। तुम्हें मना किए थे ना कि नहीं जाना है वहां पे। अरे यार, तुम
तुम समझते का नहीं हो? अरे वो सुनैना तुमको मैसेज करके उधर बुलाई थी कि ताकि अपने पापा से तुमको कुटवा सके। यार तुमको कुछ समझे में नहीं आता है? इतनी बार बोले कि अमेरिका नहीं, हमसे ज्यादा जानते हो मुंगेर को, और तुम उसका ही मैसेज पढ़ रहे हो पागल दीवाने की तरह। बुरा तो बहुत लग रहा होगा उन्हें, ट्रस्ट भी तो करते थे ना आप पर। अब क्या क्या करूं शिव्या? आई हैव एन आइडिया, आप ना उन्हें कॉल करो और ये सारी बातें उनसे क्लियर कर लो। और माँ ने हमारा फोन भी ले लिया। ये तो मेरे पास है ना फोन, अभी उन्हें कॉल करती हूँ। तू नहीं समझेगा यार गुड्डू, मैंने उसकी आंखों में फिक्र देखी, मैंने उसकी आंखों में मजबूरी देखी है। पता है चोट मुझे लग रही थी, लेकिन दर्द दर्द उसे हो रहा था। आई एम श्योर किसी ना किसी ने तो उसे मजबूर किया होगा, वरना कितनी भूली भाली सीधी साधी और मासूम है मेरी सुनैना। वाह वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इसका भूत चढ़ा है ना तुम्हारे, और जब इसका भूत एक बार चढ़ता है तो जब तक गटई कट नहीं जाता ना तब तक उतरता नहीं। अरे तुमसे बोले थे कि दूर रहो उनसे, और अभी भी बोल रहे हैं इससे भी दूर रहो, उसके खानदान वालों से भी दूर रहो। अरे हमारी शिव्या, अपनी शिव्या का फोन है यार, उठाना यार। अरे नमन फोन उठाना यार। क्यों? अभी तो तुमने हमसे कहा था ना कि हमें उससे और उसके खानदान से दूर रहना चाहिए, तो दूर हैं। हाँ वो बोले थे, लेकिन कल से फॉलो होगा, आज से नहीं, आज उठा सकते हैं फोन, उठाना यार। इसे कहते हैं मोहब्बत। हे सुन, हम ठीक लग रहे हैं। हाय शिव्या। हाय नमन जी, आप ठीक तो हो ना? अरे नमन एकदम बढ़िया, और हम भी गुड गुड। वैसे नमन जी, एक्चुअली सुनैना दी को आपसे कुछ बात करनी है। दी सॉरी नमन जी, हमारे मैसेज की वजह से आप यहाँ आए थे और आप पे अटैक हो गया। पापा ने कहा था आपको यहाँ बुलाने के लिए, तो मैं लगा उन्हें आपसे बात करनी है, लेकिन सॉरी नमन जी। सुने ना, ढेर सारी खुशियां और सपने होने चाहिए। एंड प्लीज अपना दिल और मत दुखाओ, क्योंकि मुझे अपने दुख से ज्यादा तुम्हारे दुखी होने से तकलीफ होती। आई ट्रस्ट यू सुनैना। पहली बार दी को मैंने दिल से खुश होते हुए देख रहा। ये सब ना नमन जी का ही इफेक्ट है। नहीं शिव्या, ऐसा कुछ भी नहीं है। नमन जी, मैं आपसे बस एक ही बात कहना चाहती हूँ। हाँ बोलो प्लीज। हाथ हाथ जोड़कर विनती, प्लीज प्लीज हमें भूल जाए।